हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नवरात्रों में जो भोग लगाते देवी जी कन्या को खिलाते हैं उसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं। आज हम सूजी का हलवा और चना आलू की सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सूजी का हलवा बताते हैं। तो सूजी का हलवा में हमें 1 कटोरी सूजी लेना है, आधी कटोरी शक्कर। आप शक्कर ज़्यादा खाते हो, मीठा पसंद ज़्यादा करते हो तो शक्कर ज़्यादा ले लीजिएगा। और ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ काजू और बादाम को काट के रख लिया है। अब हम सूजी को भूंजेंगे। हमने सूजी को भूनने के लिए पैन रख दिया है। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इस घी को गर्म होने देंगे। हमारा पैन गरम हो गया है। इसमें हम सूजी डालेंगे और इसे भूंजेंगे। धीमी धीमी आंच पर इस सूजी को हम भून लेंगे। ये देखिए, हमारा थोड़ा सा भूंज गया है, लाइट कलर आ गया है। हमारे 5-6 मिनट हो गए हैं। इसे अब 5 मिनट और भूंजेंगे, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। हमने धीमी धीमी आंच पे इसे भूंज लिया है। 12-13 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। ये हमने इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे और इसे चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए। इसमें जब तक उबाल नहीं आ जाती इसे हम चलाते रहेंगे और मीडियम से थोड़ी तेज आंच में इसे पकाएंगे। हमारी उबाल आ गई है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हलवा, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल लेंगे, थोड़े गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ये देखिए हमने डाल लिया, इसे मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट में से हम निकाल लेंगे। ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। हमने ऊपर से इसमें गार्निशिंग भी कर दी ड्राई फ्रूट्स की। अब हम आपको चना आलू की विधि बताएंगे। अब हम आपको चना आलू की विधि बताते हैं। हमें 50 ग्राम चना ले लेना है और 2 कच्चे आलू। आलू को हमें उबाल लेना है और चना हमें पहले 2 घंटे इसे फुला देना पानी में, 2 घंटे के बाद इसे उबाल लेना है। ये हमारे चना उबाल लिए हमने और आलू को भी उबाल के छील लिया है। ये हमारी चना आलू की सब्जी देवी जी के भोग के लिए रहती है, इसलिए सिंपल और सादी बनेगी। अगर आपको खाने के लिए या किसी और के लिए बनाना है तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। देखिए, हमने पैन रख दिया गर्म होने, हमारा हो गया। अब इसमें हम 4 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, शुद्ध घी या तेल फॉर्च्यून कोई भी डाल सकते हैं। अब हम अपने तेल को गरम होने देंगे। हमारा तेल गरम हो गया, इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा पकने देंगे। अब हम इसमें आलू को फोड़ के डालेंगे। अब इसको थोड़ा चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट। जब ये भून जाएंगे तो इसमें हम अपने चना डालेंगे। हम अपने आलू को तेज आंच पर भूंजेंगे। इसमें अब आप चना डालेंगे। फुल तेज गैस नहीं करना है, थोड़ा मीडियम से ऊपर आप गैस कर लीजिएगा। देखिए हम चना डाल रहे हैं, अब इसे भी मिक्स कर लेंगे हम।
मिक्स करके अब हम इसमें अपनी सामग्री डालेंगे। नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हम आधी चम्मच नमक डाल रहे हैं, आधी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। आप अगर भोग के लिए बना रहे हो तो सिंपल कर लीजिएगा, और खाने के लिए आपको ऐसे बनाना हो तो इसमें आप मिर्च या हल्दी भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे चना आलू हो गए हैं, इसे हम गार्निशिंग करने के लिए ऊपर से धनिया पत्ती डाल लेंगे। अगर हमें घर में साधारण खाना हो तो इसमें हम प्याज टमाटर मिर्च हल्दी डाल सकते हैं। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए हमने निकाल लिया, इसमें अब धनिया पत्ती डालेंगे कटी हुई। ये हमारी मटर आलू तैयार हो गई भोग के लिए। ये देखिए हमारे चना आलू और हलवा दोनों चीज़ तैयार हो गई हैं हमारे नवरात्रि के भोग के लिए। आप इसे प्लीज़ घर में बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको ज़रूर आप ज़रूर ट्राई करिएगा घर में। थैंक यू।